श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 12 श्लोक संख्या 8। मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशया निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। तात्पर्य, जो भगवान कृष्ण की भक्ति में रत रहता है उसका परमेश्वर के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है, अतएव इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं कि प्रारंभ से ही उसकी स्थिति दिव्य होती है। भक्त कभी भौतिक धरातल पर नहीं रहता, वह सदैव कृष्ण में वास करता है। भगवान का पवित्र नाम तथा भगवान अभिन्न है, अतः जब भक्त हरे कृष्ण कीर्तन करता है तो कृष्ण तथा उनकी अंतरंगा शक्ति भक्त की जीवा पर नाचते रहते हैं। जब वह कृष्ण को भोग चढ़ाता है तो कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसे ग्रहण करते हैं और इस तरह भक्त इस उच्छिष्ट जूठन को खाकर कृष्ण में हो जाता है। जो इस प्रकार सेवा में नहीं लगता वह नहीं समझ पाता कि यह सब कैसे होता है। यद्यपि भगवद गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में इसी विधि की संस्तुति की गई है। हरे कृष्ण।